नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना की वजह से जो निराशा छाई हुई थी, जिसकी वजह से कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी, कोई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे, इवन जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए थे, तो वो अब धीरे धीरे छंट रहा है। दो न्यूज़ है मेरे पास, एक अच्छी है, एक थोड़ा सा गड़बड़ है, तो दोनों न्यूज़ हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बारे में बात करेंगे, जिसका 7400 पद का नोटिफिकेशन हो सकता है अगले हफ्ते तक आ जाए, और इसी के साथ में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के भी 1400 पद आएंगे। तो हिंदुस्तान की न्यूज है ये, हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या लगभग 6000 होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस में अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। भर्ती बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 6000 पदों के साथ स्टेनो व अकाउंटेंट समेत मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 1400 पदों पर भर्ती की तैयारी की है। सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुए नौजवानों की फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। इतने पदों पर एक साथ भर्ती के कारण प्रदेश में पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर फुल हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों व अर्धसैनिक बलों के ट्रेनिंग सेंटरों में भी ट्रेनिंग कराई जा रही है। सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। बोर्ड का कहना है कि अप्रैल 2017 से लेकर अब तक पुलिस विभाग में 1,37,253 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। इसमें मृतक आश्रित कोटे के 1,657 पद भी शामिल हैं। बोर्ड के पास मृतक आश्रित कोटे की अब कोई रिक्ति शेष नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो दरोगा की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा स्टेनो और अकाउंटेंट के पदों की भी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, वो अपनी तैयारी तेज कर दें। और इसके बाद है नेक्स्ट न्यूज़, बिहार से है। बिहार में कोरोना के चलते हाई स्कूल टीचर की जो वैकेंसी आने वाली थी, वो उसका शेड्यूल बढ़ा दिया गया है, तो उससे संबंधित न्यूज़ है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर 30,020 पदों पर शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना संकट की वजह से यह शेड्यूल में तीसरी बार बदलाव किया गया है। पहले अप्रैल, फिर जून और अब गुरुवार को नियोजन शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा गुरुवार शाम जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य के सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अब 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। पटना डीएम समेत कई जिलों में कोरोना संकट की वजह से 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किए जाने की वजह से नियोजन कार्यक्रम में यह बदलाव हुआ है। जारी नियोजन कार्यक्रम के मुताबिक अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला का एनआईसी वेबसाइट पर प्रकाशन 17 जुलाई तक किया जाएगा। जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नगर निकायों में 22 और 23 जुलाई को, जबकि जिला परिषद और द्वारा 24 और 25 जुलाई को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके पहले 11 जून को जारी नियोजन शेड्यूल के मुताबिक 10 जुलाई तक एनआईसी की वेबसाइट पर मेधा सूची का प्रकाशन तथा 14 और 15 जुलाई को क्रमशः नगर निकाय तथा जिला परिषदों में नियोजन पत्रों का वितरण होना था। बहरहाल, नए शेड्यूल के अनुसार अंतिम रूप से चयनित हाई स्कूल इंटर शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए 8 से 10 दिनों का अतिरिक्त इंतजार करना होगा। जिन 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति होनी है, उनमें 11,919 शिक्षक हाई स्कूल में जबकि 18,101 प्लस टू यानी इंटरमीडिएट में नियुक्त होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें बताई गई न्यूज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।